नमस्ते, मैं निति फिटकरीवाला हूँ। मैं पाइवल स्कूल से हूँ और आज मैं लायंस चिल्ड्रंस पार्क के बाहर खड़ी हूँ और अंदर बच्चों ने अपनी कलाकार को प्रदर्शित किया है और वॉल पेंटिंग बना के बच्चों ने आप लोगों को कुछ मैसेज पहुँचाने की कोशिश की है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले है स्टॉप चाइल्ड लेबर, जो कि पाइवल स्कूल की तरफ से बनाया गया है और ये मेन गेट में ही है, तो इसे लोग देख के बहुत ही जागरूक होंगे, इसको समझेंगे। तो आइए जानते हैं आखिर ये क्यों है, इसका मतलब कारण क्या है। तो आप क्या कहना चाहती है कि ये इसको आप कैसे रोकना चाहती है? इसे कैसे रोकना, पहले तो हमें अगर हर एक इंसान ये ठान ले कि स्टॉप चाइल्ड लेबर मीन्स, अगर हर एक इंसान ठान ले कि इसे बंद करना है, तो हर एक बच्चा स्कूल जा सकेगा और वो अपनी अच्छे से जिंदगी जी सकेगा। हर एक बच्चा को हक है कि वो अपनी जिंदगी जिए, वही हम लोग आज रोकने की कोशिश करें, ताकि इस पार्क में आते जाते लोग देखेंगे, उनकी नजर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो अपने मन में सोचेंगे कि ये गलत हो रहा भाई, इसे रोकने की पूरी कोशिश करें। तो बस इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसे रोकने। थैंक यू सो मच कि आपने अपने पेंटिंग के द्वारा लोगों को ये बताया कि ये कितना गलत है। और पाइवल स्कूल की तरफ से एक और पेंटिंग बनाया गया है जो कि है सेव गर्ल चाइल्ड। तो आइए जानते हैं आखिर ये क्यों बनाया जा रहा है, इस पे क्या आंदोलन है। तो आप क्या कहना चाहती हैं? हम इस पेंटिंग के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि वो लड़कियों को ना मारे, लड़कियां भी उनके घर की लक्ष्मी होती है, वो लड़कियों को जन्म दे ताकि वो उन्हें जन्म दे सके। थैंक यू। तो ये भी बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो आइए और देखते हैं, और यहाँ पे पाइवल स्कूल की तरफ से पाइवल स्कूल की तरफ से यहाँ पे विजिट अगेन लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे पाइवल स्कूल का लोगो भी दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लाइन्स चिल्ड्रंस पार्क का भी लोगो दिया हुआ है और अगेन लिखा हुआ है। तो आइए जानते हैं और इस पार्क के बारे में आखिर बच्चे लोग को क्या बेनिफिट होगी। तो आप के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे लोग को आखिर बेनिफिट कैसे होगी? बच्चों के लिए पार्क है, बच्चों ही इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चों को तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। दूसरी बात क्या है कि ये तो एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने लगा है। फारबिसगंज का ये पहला ये उपलब्धि हम कह सकते हैं जहाँ, और बच्चों की जहाँ तक बात है ना, तो बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए कि पूरे परिवार बच्चों पर आश्रित होता है। घर के बच्चे खुश हैं तो पूरे परिवार खुश है, उनके गार्जियन खुश हैं। तो ये बच्चों को जो ये उपलब्धि मिली है, तो मैं समझता हूँ इससे सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे के परिवार, ये समाज, सभी सब लोग खुश हो जाएंगे। और बच्चों के लिए एक ऑप्शन था, इस तरह का कोई पार्क नहीं था, इस तरह का कोई खेलने धूपने की स्थिति नहीं थी। अब देखिए बगल में अस्पताल है, अस्पताल जब कोई मरीज आता है उसके साथ भी बच्चे होते हैं, उनके लिए भी एक सुनहला विकल्प मिल गया है, उनके बच्चे भी पार्क में आकर के खेल कूद करेंगे, तो ये बच्चे के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आप इसे मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, जैसे इसका रूल रेगुलेशन कैसे आप इसे? लायंस क्लब के द्वारा ये क्रिएट किया गया है, ये उस लायंस क्लब के द्वारा प्रदत्त है, तो इसके रखरखाव के लिए लायंस क्लब के पास एक मास्टर प्लान है। अभी लायंस क्लब के जो पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर अजय कुमार सिंह, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि ये आउटसोर्सिंग में लिंक कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये हुआ कि अस्पताल में जो आउटसोर्सिंग होता है, साफ सफाई होता है, उसको इसको इन्वॉल्व कर दिया गया है उसमें। तो जो वहाँ के लोग साफ सफाई करेंगे, उनको यहाँ का भी ख्याल रखना पड़ेगा, यहाँ की साफ सफाई भी होगी और यहाँ सिक्योरिटी भी होगा। जो सिक्योरिटी के पॉइंट से सिक्योरिटी का जगह फिक्स किया गया है, एक गार्ड होंगे जो सब चीज की निगरानी करेंगे, क्योंकि गार्डन बच्चों का है तो बच्चों की भी निगरानी बहुत जरूरी है, इसलिए गार्डन के साथ साथ चिल्ड्रेन पार्क के साथ साथ बच्चों की निगरानी भी करेंगे वो गार्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और पाइवल की तरफ से हम आपको बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। थैंक यू सो मच। सर आप इस पार्क के लिए क्या कहना चाहते हैं, हमें बताइए जरा। ये पार्क से क्या बच्चों को लाभ होता है और ये पार्क कब बना समझते हैं? ये पार्क तो अभी बना है, कल ही इसका उद्घाटन होने वाला है, और इसके फारबिसगंज छोटा सा सब डिविजन टाउन है, यहाँ इस ढंग की चीजें नहीं है, तो ये हम लोग का प्रयास है कि ऐसा पार्क हो, एक ओपन स्पेस हो, स्पेसिफाइड ग्रीन स्पेस हो, जहाँ बच्चे खेलें, बड़े भी आके बैठ सकें। और एक इसमें जॉगर्स ट्रैक है 80 मीटर का, लोग उसमें जॉगिंग कर सकें, और भी आगे चल के इसमें जिम वगैरह, ओपन जिम वगैरह जोड़ने का प्लान है। और ये पर्पस है कि सब लोग एक इतना भीड़ भाड़ में एक क्लीन इन्वायरमेंट के लिए भी एक अच्छी जगह की जरूरत है, और सब बच्चे और इसका यूटिलाइजेशन कर अच्छा।
थैंक यू सर, आपने पाइवर्ल्ड की तरफ से हम आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने इस पार्क का उद्घाटन करके हमारे लिए बहुत अच्छा चीज मतलब कल होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आपका क्या कहना है? ये अच्छा है, फारबिसगंज में इस तरह का कोई भी नहीं था बच्चों के लिए खास करके, तो ये जो बना है ये सही में बच्चों के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि फारबिसगंज में ऐसा कोई भी पार्क नहीं है, जो कि अब ये बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा चीज हो गया है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी उनको जिनने ये पार्क बनवाया। थैंक यू सो मच।